हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस की मिश्री। अभी आप सक्सेस और मैं हूं आपका फ्रेंड शिव मिश्रा। और इस वीडियो लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं। और इसमें हम लोग डिस्कशन करने वाले वैद्युत धारा। जी हां, वैद्युत धारा हमारा क्या होता है, ये क्लास ट्वेल्थ फिजिक्स जो चैप्टर फर्स्ट है हमारा वैद्युत स्थितिकी, इसका हमारा नेक्स्ट पार्ट है। बाकी सभी पार्ट आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, जाके वहाँ से अच्छा सा नोट्स आप कंप्लीट बना सकते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, वैद्युत धारा। वैद्युत धारा क्या होता है, तो वैद्युत आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। और वैद्युत धारा को आई से प्रदर्शित करते हैं। अगर इसको इंग्लिश में बोले तो बोला जाता है इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। तो वैद्युत धारा होता क्या है, तो वैद्युत आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। और वैद्युत धारा को आई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, वैद्युत आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं, वैद्युत आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं। तो जो वैद्युत आवेश होता है उसकी जो प्रवाह की दर होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं। वैद्युत धारा को आई से प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल आई से प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल आई से प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत धारा को किससे प्रदर्शित किया जाता है, कैपिटल आई से प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत धारा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, ठीक ना। माना किसी चालक में प्रवाहित आवेश की मात्रा Q एवं उस चालक में t सेकेंड का आवेश प्रवाहित किया जाए तो विद्युत धारा बराबर क्या होता है, तो लिखेंगे माना किसी चालक में प्रवाहित आवेश की मात्रा Q, आवेश की मात्रा Q एवं उस चालक में t सेकंड तक आवेश प्रवाहित किया जाए तो तक आवेश प्रवाहित किया जाए तो प्रवाहित किया जाए तो किसी, मान लो कोई भी चालक तार है और उसमें जो आवेश क्या है हमारा क्यू है, क्योंकि आवेश को मात्र कूलाम होता है, एवं उस चालक में टी सेकंड तक आवेश प्रवाहित किया जाए तो वैद्युत धारा बराबर क्या हो जाएगा, तो वैद्युत धारा यानी कि आई बराबर वैद्युत आवेश क्यू अपान समय क्या हमारा रहेगा, टी रहेगा। समय क्या रहेगा हमारा, टी रहेगा, याद रखिएगा। ये आपका क्या है, हमारा फार्मूला है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पे जितने सारे न्यूमेरिकल रहेंगे उसको भी हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। यानी कि आई बराबर क्या लिख सकते हैं, आई बराबर क्यू अपान स्माल में टी हमारा हो जाएगा, आई बराबर क्या हो जाएगा, क्यू अपान स्माल में टी हमारा हो जाएगा, ठीक है ना। अगर हम यूनिट इसकी देखें, आली विद्युत धारा का मात्रक, वैद्युत धारा का मात्रक, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यूनिट ऑफ आई, ठीक ना, इलेक्ट्रिक करंट। तो इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम प्रति सेकंड होता है, कूलाम प्रति सेकंड। और कूलाम प्रति सेकंड किस में होता है, तो यह कूलाम प्रति सेकंड जो होता है यह हमारा होता है एमकेएस में क्या होता है, कूलाम प्रति सेकंड होता है, याद रखिएगा, कूलाम प्रति सेकंड हमारा होता है,
कूलम्ब पर सेकंड किस में होता है, एम्पियर में होता है, और एम्पियर होता है क्या होता है, एम्पियर, एम्पियर, ए एम पी, ए एम पी, एम्पियर किस में होता है, तो ये हमारा होता है एसआई में। हमारा विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर में कूलम्ब पर सेकंड, एसआई में एम्पियर होता है, और यह कौन सी राशि होती है, तो हमारी एक अदिश राशि होती है। यह कौन सी राशि होती है, तो हमारी अदिश राशि होती है। अगर इसका विमीय सूत्र देखें तो ए होता है, विमीय सूत्र, विमीय सूत्र, विमीय सूत्र क्या होता है हमारा, इसका ए होता है। इतने पॉइंटों को आप लोग याद रखिएगा जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। मान लो यहाँ पे एम्पियर है, यदि कोई बोले कि चलिए आपकी एक एम्पियर की परिभाषा बताइए, किसकी, एक एम्पियर की परिभाषा, तो आप लिख लेते हैं कि एक एम्पियर की परिभाषा होती क्या है, एक एम्पियर की परिभाषा, की परिभाषा, एक एम्पियर की परिभाषा हमारी क्या होती है, तो सूत्र अगर देखें जो फार्मूला है हमारा आई बराबर क्यू अपान टी से, किसे, आई इक्वल टू क्यू अपान टी से देखें, तो एक एम्पियर की परिभाषा क्या होती है, यदि यदि एक कूलम्ब आवेश को, एक कूलम्ब आवेश को किसी भी विद्युत तार में एक सेकंड तक प्रवाहित किया जाए, कितने सेकंड तक, एक सेकंड तक प्रवाहित किया जाए, तो क्या होगा, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो आई बराबर वन अपान वन, यानी कि वन एम्पियर मिलेगा, वन एम्पियर मिलेगा, तो ये एक एम्पियर की क्या होती है, परिभाषा होती है। यानी कि समीकरण एक से यह स्पष्ट होता है कि किसी चालक तार में एक कूलम्ब आवेश एक सेकंड तक प्रवाहित किया जाए तो चालक तार का विद्युत धारा का मान एक एम्पियर के बराबर होता है, ठीक है। अगला है हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारी क्या होती है, तो एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले विद्युत बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, इसे हम इस कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं, याद रखिएगा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, तो एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, और इसे हम लोग कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। और हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर क्या हो जाएगा, वैद्युत बल बटे आवेश, तो यहाँ पर इसकी परिभाषा क्या होती है, एकांक, एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल, लगने वाले वैद्युत बल F को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो एकांक परीक्षण आवेश पर जो लगने वाला हमारा वैद्युत बल है, वैद्युत बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, और इसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे स्मॉल ई से प्रदर्शित किया जाता है, इसे स्मॉल ई, सॉरी कैपिटल ई से, कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर क्या हो जाएगा, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इक्वल टू वैद्युत बल, वैद्युत बल बटे आवेश क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। वैद्युत बल क्या हमारा एफ है, ठीक है ना। यानी कि ई बराबर क्या हो जाएगा, ई बराबर एफ अपान क्यू हमारा हो जाएगा, यानी वैद्युत ई बराबर क्या हो जाएगा, एफ अपान क्यू, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर वैद्युत बल बटे आवेश। अगर हम लोग इसकी यूनिट देखें, यूनिट ऑफ ई, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक,
तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक एसआईएम जो होता है वो होता है न्यूटन प्रति कूलाम। एसआईएम क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलाम होता है। डाइन प्रति सेकंड इनटू कूलाम किस में होता है? सीजीएस में होता है। किस में होता है? सीजीएस में होता है। अगर इसका कोई विमीय सूत्र बोले तो इसका जो विमीय सूत्र भी याद कर लीजिए क्या होता है। तो विमीय सूत्र होता है हमारा MLT के पावर -3 और A के पावर -1। तो हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र क्या होता है? MLT के पावर -3 और A के पावर -1। और ये हमारी कौन सी राशि होती है? तो है एक हमारी अदिश राशि होती है। यह हमारी कौन सी राशि होती है? यह हमारी एक अदिश राशि होती है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है? एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे हम लोग कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर क्या होता है? वैद्युत बल बटे आवेश, यानी कि ई बराबर क्या हो जाएगा? एफ पान क्यू। कोई बोलेगा कि चलिए बताइए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या मात्रक क्या होता है? तो यूनिट ऑफ ई इक्वल टू न्यूटन प्रति कूलाम एसआई में, डाइन प्रति सेकंड इनटू कूलाम सीजीएस में, विमीय सूत्र क्या होता है? MLT के पावर -3 और A के पावर -1। और यह कौन सी राशि होती है? तो यह एक अदिश राशि होती है। एक क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट है हमारा वैद्युत स्थितिकी, और सभी पार्ट आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, जाके वहाँ से वाच करके अच्छा सा नोट्स कंप्लीट कर सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।